देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में 2022 की चुनाव की जैसे ही तारीख नजदीक आने लगी है, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दौरे प्रारंभ हो गए हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुमाऊं के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हल्द्वानी में पांचवी बार कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं, जहां कल वह रामलीला मैदान हल्द्वानी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उत्तराखंड के अंदर कोई नई घोषणा भी करेंगे। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता प्रत्येक दौरे पर जनता को लुभाने के लिए कोई ना कोई घोषणा करके जाते हैं। कल हल्द्वानी में दौरे पर आ रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ ना कुछ कल घोषणा करके जाएंगे। वहीं आज पत्रकार वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने बताया, कल सिसोदिया की रैली में काफी लोग एकत्रित होने की उम्मीद है और इस बार 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है और जनता का भी मन अब परिवर्तन का हो चुका है। कल आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हल्द्वानी के दौरे पर आकर जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। मनीष सिसोदिया जी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से होगा ये दौरा? शिक्षा क्रांति के जनक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी चार दिवसीय कुमाऊं के दौरे पर 16 दिसंबर को एक हल्द्वानी में रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत 17 दिसंबर को भवाली और अल्मोड़ा में दो जनसभाओं को वो फिर से संबोधित करेंगे और 18 दिसंबर को गरुड़ बागेश्वर में एक जनसभा का और आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपरांत वो 18 दिसंबर को कांडा गरुड़ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और 19 दिसंबर को रुद्रपुर में व्यापारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके उपरांत वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर देंगे। अच्छा, 16 दिसंबर को ही कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी रैली होनी है, जिसमें राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, देहरादून में जो रैली होनी है, तो क्या मनीष सिसोदिया जी राहुल गांधी जी के इस रैली का जवाब देने आ रहे हैं क्या? नहीं, हम अगर देखेंगे तो ये तो पहले से एक प्लान हो चुका है जी। और अगर मुझसे पूछेंगे तो अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सवाल है तो वैसे ही आम आदमी पार्टी जवाब है। तो जनता के हर सवाल का जवाब अब कोई दे सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।